अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गोल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। आज मैं आया हूं गार्डन बाय द बे। बहुत खूबसूरत जगह है और बड़ी यूनिक है, तो मैं जाके आपको बताता हूं। पहले मुझे यस थैंक यू टिकट हो गया है और बताता हूं कि है एक्चुअली क्या। आई एम श्योर यू गोना लव दिस व्लॉग गाइस। ये है फ्लावर डोम और बहुत बड़ी जगह है। इनडोर गार्डन है ये, इनडोर। कुछ ऐसा इंटरेस्ट है इसका गाइस। और ये है मैक्सिकन थीम। इसके लिए दुनिया का आई थिंक वन ऑफ द यूनिक इनडोर गार्डन है ये। ये दुनिया का ऐसा गार्डन है जिसके ऊपर छत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर तरफ इस ब्यूटीफुल ग्रीनरी, लेकिन जिसके ऊपर छत है, इसके ऊपर छत है और हर तरफ ग्रीन है। गाइस ये मेक्सिकन थीम के ऊपर आज कुछ इन्होंने यहाँ पे लगाया है और उनकी जितनी भी हिस्ट्री है यार। चेक करिए, और एक सबसे पुराना लेटर जो है ये कुछ इनकी किताबें हैं पुराने आर्ट की फ्रॉम मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिकन थीम है तो इट्स लाइक बड़ी ब्यूटीफुल। ये जो लोग आर्ट करते हैं उनको समझ आएगी, बट यार गाइस चेक दिस आउट, हाउ अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट इट इज। चेक करिए, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। गाइस चेक दिस आउट, इट्स अ पीस ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट। या ये चेक करिए, इट्स मेड विद द वुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। या इसको चेक करिए, क्या बात है यार, इसको चेक करिए। सारे मेक्सिको से हैं, जितने भी ये आर्ट है ना, ये सब मेक्सिको का कल्चर है। वन ऑफ दिस पीस चेक करिए, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, वाओ। और चेक करिए माशाल्लाह कितने लोग हैं, वाह। गाइज़ जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना, पीस ऑफ आर्ट। जैसे ये लेपर्ड है वो चढ़ रहा है वन दरख्त के ऊपर, वो ऊपर बंदर होगा, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट क्लियर। वो इट्स अ पैरट बट वो बांस की तरह लगता है, एंड दैट्स अ स्नेक। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, वाह। चेक दिस आउट गाइस, वाह, ब्यूटीफुल। गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो मेक्सिको में पाई जाती हैं, जो उनका खास मतलब है कि जरिया है मवाश का, आई गेस सो। वही मकई और डिफरेंट इंडिविजुअल तरह की मकई है, जैसे वो काली, वो वाइट कलर की, वो ब्राउन, एंड दैट्स हाउ दे शॉट को ताकोस बनाते हैं इस तरह करके कुछ। एंड इट्स ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। कुछ मैक्सिकन थीम, एंड देन उम्मीद करता हूँ कि मैंने कवर किया होगा। और अब दिखाते हैं आपको जो यहाँ जिस मकसद के लिए हम आए थे, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड आप थे। Guys, check this out. Wow. And most important thing, the dragon. Let's zoom back on. The dragon. और बड़ी खूबसूरत सी जगह है. Different individual arts हैं और different तरह के पौधे और दरख्त हैं. All those things. Guys, ये छोटे-छोटे cactus का check करिए. अब इनकी मैं आपको slow motion दिखाता हूँ.
गाइस वो तो ऊपर का फ्लोर था जहाँ पे मैक्सिकन थीम था, अब ये नीचे जो है ना सारा गार्डन है, राइट, इसीलिए इसको बोलते हैं गार्डन बाय द बे। बे है समुंदर इस तरफ और ये है गार्डन, और ये सारे का सारा कवर है, टोटल एयरकॉन लगा हुआ है, दैट्स वाई इट्स यूनिक। सो लेट्स गो डाउन एंड एक्सप्लोर मोर फ्लावर्स। तो मुझे समझ नहीं है, या तो मुझे GoPro लेना पड़ेगा वापस नया वाला, क्योंकि मैं काइंड ऑफ सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइटिंग को लेकर, यू नो। इस चक्कर ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लावर्स गाइस, उधर से तो मैं निकल आया था एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू द डिफरेंट प्लेस एंड दिस इज लाइक शॉप, कि आप जहाँ से आए हो अगर आपको शॉप करना है गार्डन बाय द बे के, बुक्स के बारे में, पौधों के बारे में, कपड़े ऐसे चाहिए, सो समथिंग लाइक दैट। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने शेर कभी नहीं देखे, लाइक लिटरली। थोड़ी देर मैंने वहाँ से ब्रेक ली क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना और मैं आ गया ये समुंदर पे, और वो अगर आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये इनके पीछे ही मेरा घर है, इनके थोड़ा सा पीछे करके। तो दिस प्लेस कोशिश करूँगा कि इसका ड्रोन शॉट ले सकूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, चेक करिए, इट्स ब्यूटीफुल। और अभी मैं जा रहा हूँ क्लाउड फॉरेस्ट, जो कि जिस मेन मकसद के लिए मैं यहाँ आया था, वो तो मेक्सिको का थीम था तो हो गया, बट अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, दिखाता हूँ आपको क्लाउड फॉरेस्ट। गाइस ये है क्लाउड फॉरेस्ट और कुछ ऐसा दिखता है ये, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। कुछ ऐसा सीन है गाइस, चेक द थिंग आउट, माशाल्लाह। गाइस सच बताओ ना तो बहुत ही ज़्यादा ना, मुझे नायग्रा फॉल वाली फीलिंग आ रही है। इधर खड़ा होके ना मुझे नायग्रा फॉल वाली फीलिंग आ रही है, सीरियसली इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। एज यू कैन सी द गाइन नज़ारा, लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये जो चच्ची है इन्होंने कुछ 24,000 फोटो लिए हैं ना, ये की जगह स्पेशली, ये जो जगह है ना पीछे, इट्स गिव यू दैट वो सर्दियों के दिन, वो बर्फ और वो उस तरह की चीज़ें, इट्स गिव यू सो सो ब्यूटीफुल। अब बाहर गर्मी है और यहाँ पे लाइक लिटरली ठंड है और पानी गिर रहा है, लाइक नायग्रा फॉल की छोटी सी बच्ची थी वो। गाइस मुझे इस ब्रिज पे जाना है एंड लेट्स गो, एंड अब हम आगे ऑर्चर्ड हेवन, ऑर्चर्ड जो फूल है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट व्हाट वी गॉट हियर। लेकिन इस ब्रिज पे जाना है, ये सीधा आपको ऊपर लेके जाता है, आई विल टेल यू यार, हर तरफ फोटोग्राफर्स हैं। ब्रिज यहाँ से शुरू होता है और वो ऊपर जाता है, इस ब्रिज की से ऊपर जाके मैंने वीडियो बनानी है। कैसी आगे मूवी आ रही है अवतार 2, तो उसका कुछ सेटअप चल रहा है, जब आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। जो मैक्सिकन हेरिटेज था ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे आगे मुझे मज़ा आ रहा है, बिकॉज यहाँ का माहौल अच्छा है, इट्स वेरी कूलिंग एंड गिव यू अ डिफरेंट वाइब। और शाम हो रही है तो इट्स लाइक पूरा एक शायराना माहौल यहाँ पे बना हुआ है। ब्रिज के ऊपर जाने के लिए वो लिफ्ट है और लिफ्ट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है, चलो हम भी वेट करते हैं। गाइस गेस व्हाट, पहले मैं वो नीचे था, अब मैं इस ब्रिज पे आ गया। As you can see, that's the bridge I was talking about. बहुत आवाम है यार, बहुत। और वो उन बिल्डिंग्स को तो आप जानते ही होंगे, उनके ऊपर जाके मैंने व्लॉग बनाया था। And I came from right down there. Just imagine where the bridge start. And yeah, and I came right from there. Let me show you. Look at that beautiful place. And this is the bridge. Beautiful. Beautiful, beautiful. काफ़ी लोग हैं यार, काफ़ी। वो बाहर का मौसम, ये अंदर का ठंडा सा, और ये जितना भी गार्डन है इट्स कवर्ड, ये टोटल कवर है सारे का सारा। And this is where I came from. I think a beautiful place है, as you can see. Such a beautiful place. Oh, hello. और जितने कैमरे वाले लोग यहाँ पे हैं ना, शायद मैंने कहीं नहीं देखे, बिकॉज आई थिंक इसकी ब्यूटी
खूबसूरती सब उसके लिए। तो आई कैन लव इट, हर बंदा यहाँ पे चुप कर जा गोरिये, यहाँ पे हर बंदा ना चिल मस्ती कर रहा है, फोटो ले रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। गाइस शाम का खूबसूरत मंजर विद अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, क्या बात है। उन लोगों को देखिए, वो है ब्रिज जिससे मैं ऊपर गया था, एंड देन इट केम आउट टू बी दिस वे, और इसके बाद यहाँ से सीधा नीचे। इस ब्रिज की ऑलमोस्ट एंडिंग है उस तरफ, तो एंड करके फिर से मैं दोबारा से ड्रोन पे जाऊँगा, बिकॉज आई थिंक वो जो आपने को दिखाया था द फ्लायर द आई ऑफ सिंगापुर, आई थिंक उधर लाइटिंग बहुत खूबसूरत होगी। और इस हाइड तो छोटी है कि यहाँ एनू वेखो, आई जस्ट डोंट वांट टू कैंसिल पीपल फोटो एट द सेम टाइम हाउ टू क्रॉस इट, थैंक यू। उसका फोटो खराब कर दिया मैंने, कहता है निकल इधर से घर। जैसा माहौल है बाहर का, एंड देन आई एम गोइंग आउट। गाइस तकरीबन हमारी जर्नी इस ब्रिज की खत्म हो चुकी है, आई थिंक दिस इज द एंड। इसके बाद नीचे सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से बाहर। गाइस हमारा सफर हो चुका है खत्म इस ब्रिज के साथ, एज यू ओके ये ब्रिज है जहाँ से मैं नीचे आया था, और अभी हम चलते हैं बाहर और कोशिश करते हैं कि अच्छा सा ड्रोन शॉट लें, बिकॉज लाइटिंग का पता नहीं है कैसी होगी, बट जस्ट लेट ट्राई। एग्जिट गार्डन बाय बे का, और लुक दिस ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी इजाजत बगैर मेरा चेहरा लगा दिया, वो जा ये जो मूवमेंट्स है ना क्लाउड मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, यू फील फैंटास्टिक। लेट मी शो यू, चेक करिए, इट्स प्रीटी डॉल बट खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे गाइस गार्डन बे का, गार्डन बाय द बे का सफ़र ख़त्म हुआ, और मेरी कोशिश है कि मैं जाके ना ड्रोन से वो जो व्हील है ना उसकी कुछ मतलब है कि शूट करूँ, बिकॉज उसके जब लाइट चलती है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।